तो दोस्तों आज हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं सर्कस मूवी के कलेक्शंस के ऊपर, क्योंकि वन डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेरे दोस्त आ चुका है। और मेरे दोस्त, मैं आप लोग को इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इस मूवी ने वन डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना किया है। हालांकि मैं इसका रिव्यू दे चुका हूँ और आप लोग को बता चुका हूँ कि मूवी कैसी थी और इसमें किस प्रकार की एक्टिंग की गई है एक्टर्स के द्वारा। और मेरे दोस्त, इसकी कहानी मेरे को बिल्कुल ही जमी तो उतना नहीं, लेकिन फिर भी हालांकि ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यही आज बात करूंगा कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है, वन डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो चलिए मेरे दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी फिल्मी अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका वन डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि इसमें दो जुड़वा भाई रहते हैं जिनको करेंट ही लगते रहता, हमेशा ही करेंट लगेगा आप लोग को इस मूवी में देखने को मिलेगा, करेंट पे करेंट। और इसमें कॉमेडी भी होता गजब की, कमाल की नहीं रही है मेरे दोस्त। और इसका जो बजट की बात कर ली जाए तो इसका बजट है तकरीबन 150 करोड़, लेकिन मेरे दोस्त फर्स्ट डे इसकी जो कमाई हुई है सिर्फ 7 करोड़, वन डे बॉक्स ऑफिस इंडिया से नेट कलेक्शन हुए 7 करोड़ की, और इसका बजट 150 करोड़। क्या पार कर पाएगी मेरे दोस्त, क्या हो ये मूवी बजट से ऊपर जा पाएगी या फ्लॉप हो जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है मेरे दोस्त कि ये मूवी वाकई में कमाल करेगी या फ्लॉप हो जाएगी? मुझे तो लगता है कि मूवी फ्लॉप ही होनी है, क्योंकि मेरे दोस्त ये मूवी में उतना दम नहीं है। देखने योग्य तो है लेकिन बस OTT पे, इसके लिए कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिनेमा घरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब OTT पे आएगी तो देख लिया जाएगा, क्योंकि इतना कमाल की मूवी है नहीं कि इसके लिए कुछ वक्त दिया जाए। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फिल्मी अपडेट्स के साथ। और मेरे दोस्त, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी फिल्मी अपडेट्स पाने के लिए।